नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। हैक्स न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। फिरोजाबाद प्रधानी के उपचुनाव में नामांकन के दौरान भाजपा सपा समर्थकों में भिड़ंत हो गई। सपा समर्थक ठेकेदार युवक के साथ हुई मारपीट। हॉस्पिटल में भर्ती सपा समर्थकों के साथ विधायक हरिओम यादव हॉस्पिटल पहुंचे। थाना सिरसागंज के मदनपुर ब्लॉक में आज हो रहे पंचायत चुनाव के नामांकन में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें सपा के एक समर्थक ने चोट आई है। आपको बता दें कि जिले की राजनीति में विवादित व सुर्खियों में रहा रजौरा गांव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और सपा विधायक हरिओम यादव के समर्थक कई बार आमने सामने आ चुके हैं। मंत्री समर्थक प्रधान की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद आज नामांकन हुआ है। वहीं दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों में मारपीट हुई है, जिसमें सपा समर्थक ठेकेदार को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे सपा विधायक ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाए हैं और पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। सिरसागंज से हैक्स न्यूज के लिए मंचन की रिपोर्ट। पंछी, तुम्हारे साथ ये क्या घटना हुई है, कैसे मारपीट हुई, क्या हुआ पूरी बात बताओ। मैं अपने काम से यार, मेरा काम चल रहा, ठेकेदारी काम करता हूं। हां, तो मैं 4:15 बजे गए ब्लॉक, रोक लिया मुझे बाले ने और अपने चाचा राकेश और रघुराज और मन का गनर, बस यहाँ से मुझे नाले में डाल रहा। किस ब्लॉक में? मदनपुर। आज क्या था मदनपुर ब्लॉक में, कैसे गए आप? मेरा तो काम चल रहा ठेकेदारी का, एक महीना हो गया तकरीबन। और क्या घटना हुई पूरी बात बताओ। मेरे पास मेरी चैन थी और 2 लाख रुपया थे, मोबाइल और 17,500 रुपये मेरे पर्स में थी। किसने छीने? अब जी तो वही बाले और जी राकेश और क्या नाम रघुराज और बनका गनर भी मात्रे नाले में डाल दिया था मुझे। अब पुलिस बैठ रही, पुलिस देखती नहीं। देखिए, आज रजौरा ग्राम सभा में जो प्रधान खत्म हो गया था, उसके रिक्त स्थान पर मदनपुर ब्लॉक में पर्चे भरे जाने थे, तो लोग पर्चे भरे जा रहे थे, लेकिन पूर्व मंत्री जयवीर सिंह के समर्थक राजीव उर्फ बाले यादव, उसका चाचा राकेश और अन्य काफ़ी अपराधी किस्म के लोग ब्लॉक पर सुबह से जम गए कि पर्चा दूसरा नहीं पड़ेगा, निर्विरोध कराएंगे। इसकी सूचना हमने जिलाधिकारी फरियाबाद को सुबह ही दे दी थी, पुलिस कप्तान एडिशनल एसपी सबको दे दी थी कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कराइए, लोग पर्चा नहीं डाल देंगे, पर्चा लोगों को अगर डालने जाएंगे तो पकड़ेंगे, मारेंगे और पर्चे छीन लेंगे, फाड़ देंगे। और उसका अधिकारी उच्च अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहाँ ऐसा हुआ, एक ठेकेदार बेचारा ब्लॉक की ठेकेदारी करता था, तो उनको ये लगा कि ये पर्चा के समर्थन में आया, तो उसे पकड़ा, मारा, उसकी लूट कर ली और आपके सामने उसकी स्थिति है, बुरी तरह उसको मारा। तो ये पुलिस के सामने पिटाई हो रही, क्या पुलिस का इकबाल है? आज कहाँ चुनाव होना था? ग्राम सभा रजौरा का, मदनपुर में। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देगी तो ये सरकार पूरी तरह फेल है, और इस सरकार को मैं समझता हूँ अपराधी चला रहा है। इस जिले में 4 विधायक हैं बीजेपी के, उनको कोई नहीं पूछता। जो हारा हुआ अपराधी किस्म का जो पूर्व मंत्री है, जिसके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं, और वो पूरी जिले के अधिकारियों को चला रहा है, गुमराह करके लोगों को सताता, फर्जी मुकदमे कराता, पिटवाता, और उन्हीं लोग पिटते हैं जो शिकायत करने जाते हैं, वही जेल जाते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि पीड़ित की बात सुनी जाए थाने में, पीड़ित की बात नहीं सुनी जा रही। केवल सत्ता के दबाव में भले लोगों को, निर्दोष लोगों को, गरीबों को सताया जा रहा, पीटा जा रहा, लूटा जा रहा है उनको। तो ये घटना आपके सामने है, सभी पूरे अधिकारियों के सामने, हमने सारे इसकी अधिकारियों को सूचना दे दी, बता दी है। अब अधिकारियों का काम है लूट की और मारपीट की मुकदमा पंजीत करें और जांच करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। युवक के साथ जमकर मारपीट की गई, क्या मामला है पूरा? ये वहाँ पर उपचुनाव मदनपुर ब्लॉक में हो रहा है, ग्राम राजौरा के ग्राम प्रधान की मृत्यु के उपरांत, तो आज उसमें नामांकन था। और ये मुझे बताया गया है कि नीलेश रूप पंछी जो है वहाँ पर ठेकेदार हैं और वो वहाँ पर काम करा रहे थे, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की हुई है और उनके आरोपों की तहरीर लेके और इस पर निश्चित वैधानिक कार्रवाई अभी तुरंत की जा रही है। ये पीड़ित ने कहा जैसे ठेकेदार है, पैसे लेके जा रहा था, जो भी होगा, जो भी उसके आरोप होंगे उन पर निष्पक्ष जाँच होगी और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब, जिस प्रकार सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता बनती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस पर आखिर प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन जो भी मामले होंगे इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, और बाकी रही राजनीतिक प्रतिद्वंदता की, तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। और स्वाभाविक है कि जब राजनीति है तो प्रतिद्वंदता भी होगी, इस पर नो कमेंट।